माय नेम इज़ दीपक चंद, मैं गणेश डायग्नोस्टिक सेंटर में माइक्रोलॉजी लैब टेक्नीशियन हूँ। आज मैं आपको ये स्टूल रूटीन के बारे में बताऊंगा। हम लैब में स्टूल रूटीन क्यों करवाते हैं और ये क्यों करवाना चाहिए, कितना आवश्यक है। स्टूल टेस्ट क्या होता है? स्टूल टेस्ट हमारे लैब में स्टूल सैंपल की ज़रूरत पड़ती है और उसको एक कंटेनर में लेते कलेक्ट करते हैं और उसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जो होता है वो हम उसे फाइंड आउट करते हैं, पता लगाते हैं। और उसमें जैसे फूड पॉइजनिंग हो जाता है, कोई चीज़ ख़राब हो गई और वो पेशेंट खा लेता है या किस तरह उसी तरह उसमें प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग में जैसे लूज मोशन होना, ब्लीडिंग होना और कभी कभी होता है अधपके मांस या नॉन वेज या अंडे या सब्जी पकी हुई खा लेना, उससे हमारा शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। स्टूल टेस्ट क्यों किया जाता है? स्टूल नंबर वन, स्टूल टेस्ट GI इन्फेक्शन होता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। उसमें खून सीक्रेट होता है, बहता है और संक्रमण हमारे बैक्टीरिया कोई किसी पैरासाइटिक का इन्फेक्शन हो जाना, वायरस का इन्फेक्शन हो जाना, कोई ओवासिस्ट पैरासाइट का इन्फेक्शन होना और पाचन तंत्र यानी जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कई प्रकार की कुछ समस्याएं क्रिएट हो जाना और पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाना। पैरासाइटिक का पता लगाते हैं और कोलोरेक्टल एक प्रकार का कैंसर होता है जिसमें एनस से ब्लीडिंग होती रहती है और हम इस चीज़ को पता करते हैं इसमें। और पाचन तंत्र के इसके अलावा हमारे ऐसे लीवर अग्नाशय रोगों का पहचान करना, उसमें कोई समस्या हो जाना और उसका हमें पता लगाना कि सही प्रकार से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, अग्नाशय कितने अच्छे प्रकार से काम कर रहा है, ये स्टूल रूटीन टेस्ट में पता लगाते हैं। स्टूल टेस्ट से पहले हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ऐसी कई दवाई होती हैं, इसकी कई प्रकार की दवाई होती हैं, कई ऐसी मेडिसिन होती हैं जो स्टूल टेस्ट कराने से पहले हमें बंद करनी होगी। अगर वो हम सेवन करते हैं, लेते हैं तो हमारे टेस्ट में बदलाव आ सकता है और इस प्रकार से हमें ये दवाई रोकनी होगी और अपने डॉक्टर को हमें एक दो हफ्ते पहले बताना होगा कि ये हम टेबलेट ले रहे हैं। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।